रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच क्यों कैंसिल हुआ? क्या फिर भी ब्रॉक लेसनर हमें डे वन पेपर व्यू पे चैंपियन बनते हुए दिखे? आखिर क्या रहे रिजल्ट्स डे वन पेपर व्यू पे? मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों, हमें किक ऑफ शो पे सिजारो और रेकोशे का टैग टीम मैच रिज हॉलैंड और शेमस के खिलाफ देखने को मिला। इस मैच में रिज हॉलैंड की नाक भी टूटी, पर दोस्तों आखिरी में शेमस ने सिजारो और रेकोशे को हरा के इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत लिया। दोस्तों, दूसरी तरफ स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप, जो इस पेपर व्यू का एक बेहतरीन मैच था, द उसोस ने न्यू डे को हरा के अपनी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन करा, यानी कि ब्लड लाइन डे वन पेपर व्यू पे भी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने में कामयाब रही। हमें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच में बैकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिला। यहाँ पे बैकी लिंच ने एक नया रिंग गियर भी डेब्यू करा। लिव मॉर्गन ने अपनी दोस्तों पूरी कोशिश करी, पर बैकी लिंच ने लिव मॉर्गन को हरा के अपनी रॉकी वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन करा। इसके अलावा दोस्तों, हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज वर्सेस द मिस का मैच देखने को मिला। इस मैच में दोस्तों मिस ने रेफरी को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करा, जिसका फायदा मरीज ने उठा के एज पे अटैक करके किया। पर दोस्तों, इस मैच में हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज की वाइफ बेथ फीनिक्स भी आती हुई दिखी, जिसके बाद हमें एज को सपोर्ट मिला और एज ने द मिस को एक स्पीयर लगा के डे वन पेपर व्यू पे इस मैच को जीत लिया। दोस्तों, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस मैट कैप मॉस के मैच में भी काफी कुछ हमें देखने को मिला, पर मैच से पहले ही हमें ड्रू मैकइंटायर पे मैट कैप मॉस और कॉर्बिन अटैक करते हुए दिखे, पर मैच में ड्रू मैकइंटायर ने मैट कैप मॉस की पिटाई करी और उनको फिर इस मैच में हरा के डे वन पेपर व्यू पे जीत हासिल करी। इस मैच से सिर्फ फायदा मैट कैप मॉस को ही हुआ। दोस्तों, हमें रॉक के टैग टीम चैंपियनशिप मैच में आर के ब्रो वर्सेस का स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच देखने को मिला। इस मैच में भी दोस्तों हमें कोई टाइटल चेंज होता हुआ नहीं दिखा, पर आर के ब्रो ने अपनी रॉक की टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन करा। पर दोस्तों, डे वन पेपर व्यू पे सबसे शॉकिंग पल ये आया जब WWE ने रिवील करा कि रोमन रिंग्स कोविड पॉजिटिव होने की वजह से अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ब्रॉक लेसनर के खिलाफ डिफेंड नहीं करेंगे, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर जो डे वन पेपर व्यू पे मौजूद थे, उन्होंने ओपन चैलेंज करा और उन्हें WWE की मैनेजमेंट ने WWE चैंपियनशिप मैच में ऐड कर दिया। यानी कि अब फेडल फोर वे मैच को एक फेडल फाइव वे मैच बना दिया गया, यानी कि बिग ई को अपनी चैंपियनशिप बॉबी लेशली, केविन ओवंस, सेथ रोलिंग्स और ब्रॉक लेसनर के खिलाफ डिफेंड करनी पड़ी। दोस्तों, मैच की स्टार्टिंग में तो ब्रॉक लेसनर ने सभी को जर्मन सुप्लेक्सेस लगाई, पर दोस्तों हमने देखा कि बॉबी लेशली बार बार ब्रॉक लेसनर पे अटैक करते रहे। केविन ओवंस और सेथ रोलिंग्स भी इस मैच के दौरान एक जोड़ी बना के ही बाकी के सुपरस्टार्स पे हावी रहे, पर आखिरी में दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने बिग ई को एक F5 लगा के WWE चैंपियनशिप जीत ली। यानी कि दोस्तों, अब मंडे नाइट रॉ पे शो पे हमें बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ऐसे चैंपियन देखने को मिलेंगे। यानी कि डे वन पेपर व्यू पे ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो नहीं जीत सके रोमन रिंग्स के कोविड की वजह से, पर ब्रॉक लेसनर अब नए WWE चैंपियन बन चुके। यानी कि दोस्तों, अब रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, ये तो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका। तो दोस्तों, आपको डे वन पेपर व्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो 3.5 रेटिंग। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।